नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टीम बीबीएम एवं टीम एसबीएम द्वारा महिलाओं के लिए 10 दिवसीय सिलाई ट्रेनिंग सेंटर का आयोजन किया गया। पिछले 10 दिनों से जहां लगभग 14 से 15 महिलाएं सिलाई कढ़ाई बुनाई की ट्रेनिंग ले रही थी, आज समापन वाले दिन महिलाओं को सर्टिफिकेट प्रदान कर उनको प्रोत्साहित किया गया। बता दें कि टीम बीबीएम एवं एसबीएम द्वारा समय समय पर महिलाओं के लिए इस तरह के प्रशिक्षण केंद्र का आयोजन किया जाता है। समापन वाले दिन टीम एसबीएम के सदफ खान ने बताया कि हमारे द्वारा पिछले 10 दिनों से शाहजहानाबाद में यह प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा था, जो कि महिलाओं के लिए निशुल्क रखा गया था। यहां हमारी संस्था टीम बीबीएम एवं टीम एसबीएम की सदस्य शाबना जी द्वारा महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा डेस्क की काउंसलर गुलशाद बेगम उपस्थित रही। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। बच्चे की फाइल बहुत अच्छी है, सबने बहुत अच्छी मेहनत से काम किया है और आगे भी चल के इंशाल्लाह आप लोग इसी तरीके से काम करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं ऊर्जा टैक्स से गुलशाद मैम हूँ, काउंसलर, और शोएब हाशमी जी ने मेरे को यहाँ बुला के मेरी इज्जत बख्शी है कि अपने जो सिलाई सेंटर उन्होंने शुरू किया था 10 दिन में, तो उसकी बच्चियों को सर्टिफिकेट मेरे हाथों से बंटवा के उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आगे ये सोचती हूँ ये बच्चियों ने जो कुछ भी सीखा है आगे चल के इनके भविष्य में बहुत काम आएगा। ये अपना बुटीक खोल सकती हैं, अपना बिजनेस खड़ा कर सकती हैं और मेरी इनके साथ बहुत बहुत दुआएं, बहुत शुभकामनाएं इन लोगों के लिए और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। शुक्रिया शोएब जी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। टीम बीबीएम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? टीम बीबीएम को ये मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये हमेशा इसी तरह काम कर रहे हैं, निस्वार्थ निःशुल्क नीचे उसके लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, दूसरे फील्ड में काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। ये टीम किसी से कोई मदद कोई डोनेशन नहीं लेती, अपने उस पर चलती है टीम। ये सबसे बड़ी इस टीम की खासियत है, खूबी है इस टीम की, और मैं यही दुआ करूँगी आगे भी ये टीम हमेशा कामयाबी के उस पर रहे। भोपाल की महिलाओं के लिए क्या संदेश है जिस तरह से बताया जा रहा है कि आने वाले 8 तारीख से भी कुछ केंद्र चालू किया जा रहा है? ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप महिलाओं के लिए जो सेल्फ डिफेंस का कोर्स किया जा रहा है, इसमें आगे से आगे बढ़ के लड़कियों को महिलाओं को इसमें शामिल होना चाहिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि इसमें कोई आपको फ़ीस नहीं लग रही है, कोई आपको फ़ीस नहीं देना है, सिर्फ आपको अपना टाइम देना है, वक्त देना है यहाँ पर आके। आगे चल के ये चीज़ें सब आपके बहुत काम आने वाली हैं और आप लोग सक्षम बनेंगी इसमें। जी शबाना अली। शबाना जी, आपके द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, सिलाई कैसा अनुभव रहा? जी मैं एसबीएम टीम से हूँ। माशाल्लाह मैंने ये 14 लोगों को ट्रेनिंग दी है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। लॉकडाउन से टूटी हुई जो स्थिति जो अभी सामने है, इसको देखते हुए मैंने इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी है ताकि ये लोग अपना रोज़गार कर सकें, अपने घर में काफ़ी बच्चे भी हैं, बड़े हैं, कपड़े सिलाई कर सकें, अपने रोज़गार खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बस यही हम लोगों की कोशिश है और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग यही कोशिश करते रहेंगे कि हमारे द्वारा जो कुछ भी महिलाओं की मदद होगी, इस कढ़ाई बुनाई सिलाई जो कुछ भी ये कर पा के अपने घर का कर सकें। किस तरह का शुल्क लिया गया था महिलाओं से? नहीं, कुछ नहीं लिया गया, सिर्फ वैसे ही मैंने फ्री कोर्स था हमारा, जिससे कि आपने महिलाओं को 14 महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। जी क्या किसी तरह की ट्रेनिंग आपने प्राप्त की है जो आपने? नहीं, मैं खुद भी एक टेलर हूँ, मैंने खुद टेलर हूँ मैं, इसलिए मैं तो मैंने किसी से नहीं सीखा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी टेलर हूँ। बस मेरे ये हुनर आता है तो हम लोग जो गरीबों के लिए तो कैसा हो आपका अनुभव रहा महिलाओं को सिखाते वक्त? नहीं, किस तरह आपको सहयोग मिला महिलाओं का? बहुत अच्छा मिला, माशाल्लाह सब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आए सीखे, सबने अपना अपना बहुत अच्छे से परफॉर्म दिया मुझे। पिछले कई वर्षों से राजधानी भोपाल में टीम बीबीएम एवं टीम एसबीएम लगातार जो है मदद के कार्य करते चले आ रहे हैं। वहीं इन्होंने अपनी पंचलाइन भी बनाई है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मदद नहीं जिम्मेदारी है। इसी को लेकर के टीमें काम कर रही हैं राजधानी भोपाल में पिछले कई वर्षों से महिलाओं के लिए। अभी इन्होंने काम शुरू कर दिया है टीम एसबीएम द्वारा, जहाँ पे महिलाओं को रोज़ी रोज़गार देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाते हैं। इसी संबंध में पिछले 10 दिनों से एक केंद्र चलाया जा रहा था जिसमें महिलाओं को सिलाई कढ़ाई और बुनाई की ट्रेनिंग दी जा रही थी। आज उसी कार्यक्रम का समापन है जिसमें महिलाओं को सर्टिफिकेट दे करके उनको यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। चलिए हम जानते हैं टीम एसबीएम की जो कि यहाँ पर मौजूद हैं सदफ खान जी, इनसे जानते हैं किस तरह का आयोजन ये रखा गया था। अब
सर्टिफिकेट देकर के किस तरह यहाँ पे आयोजन समापन किया जा रहा है। सर जी किस तरह कार्यक्रम रखा गया था, आप लोग प्रशिक्षण केंद्र जी? हम लोगों ने जो है ये BBM SBM की जानिब से जो प्रोग्राम ये रखा है कि जो महिलाएं हैं जो सिलाई सीखना चाहती हैं उनके लिए हमने फ्री ऑफ कोर्स जो है ये रखा है। हमने ये जो हमारी टीम मिलके काम कर रही है उसी का एक छोटा एक काम ये भी है। तो हम लोग अलग अलग एरिया में 10 डेज में इतना सिखा देते हैं महिलाओं को कि वो अपना खुद का सूट सी लें और अपने लिए कोई रोज़गार भी जो है उससे हासिल कर लें। तो हमने अभी ये पहले ये हमारा दूसरा कैंप है, पहले हमारा जो कैंप था वो पूरा कंप्लीट हुआ था, अब ये दूसरा कैंप है। ये शाहजहाँबाद इलाके में लगाया गया था जहाँ पर 14 से 15 जो महिलाएं उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने बहुत 10 दिन में बहुत जितना हमने सिखाना चाहता इस सेंटर में हमारी टीम की शबाना बाजी जो है उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। वो सिलाई बहुत अच्छे से जानती हैं, सिलाई करी हुई उन्होंने 2 घंटे 10 दिन 2 घंटे दे के 15 महिलाओं को ट्रेनिंग दी है जो सभी ने बहुत अच्छे से सीखा है। एक पूरा मुकम्मल इन लोगों ने सूट सीना और जो थोड़ा सा डिज़ाइनर कपड़े भी सीना सीखे हैं उसमें तुरपाई बुनाई काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने 10 दिन में सिखाई हैं। आज जब महिलाओं को सर्टिफिकेट दिया गया है किस तरह इनका चयन किया गया है कि सर्टिफिकेट दिया? इन्होंने जो हम लोगों ने इनसे जो सिखाया था तो उस बेस पे एक फाइल कंप्लीट करवाई थी तो वो फाइल के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जो इन लोगों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इसका मकसद ये है कि आगे चल के ये लोग जो है सर्टिफिकेट से जो है बेनिफिट उठाएँ और आगे अगर वो कहीं सिलाई सेंटर खोलना चाहती हैं या कहीं सिलाई करना चाहती हैं तो इसमें इनकी मदद हो। चलिए अभी मतलब वो महिलाएँ भी मौजूद हैं जिन्होंने ये यहाँ से प्रशिक्षण केंद्र से जो ट्रेनिंग हासिल किए, चलिए उनसे जानते हैं क्या उनसे किसी तरह का शुल्क लिया गया है टीम SBM द्वारा? नाम बताइए। अस्मा। पिछले कितने दिन से आप ट्रेनिंग ले रहे थे? 10 डेज से। क्या किसी तरह का शुल्क रखा गया था आप लोगों के लिए, किसी तरह की फीस ली गई आप लोगों? फ्री था सब। किस तरह की आपने वहाँ पर ट्रेनिंग ली, क्या कुछ सीखा आपने थोड़ा सा बता सकते? सिलाई सीखी। किस तरह की सिलाई सीखी? डिज़ाइनर भी सीखे हैं, सिंपल भी सूट अपना खुद का भी बना लेते हैं। आज आपको सर्टिफिकेट मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक संस्था द्वारा आप लोग को प्रोत्साहित किया गया जी, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी रही हमारी ट्रेनिंग। चलिए महिलाओं के साथ साथ अभी यहाँ पे बच्चे भी हैं उनसे जानते हैं, आपने भी सीखी सिलाई? जी। पहले तो नाम बताइए। माय नेम इज़ अर्शिया। किस तरह की सिलाई आपने सीखी, क्या कुछ आपने नया सीखने को मिला वहाँ पे? अब आपने सीखा तो आगे क्या इसको जारी रखेंगे? इंशाल्लाह ये तो एम है मेरा कि इंशाल्लाह मैं अपना एक बुटीक खोलूं फैशन, और मैंने इसमें हर डिज़ाइन की चीज़ें सीखी, एम्ब्रॉयडरी भी सीखी और धोती सिंपल कुर्ता पैंट ट्राउज़र जेंट्स सूट्स। तो आपसे किसी तरह का शुल्क लिया गया है यहाँ पे? नहीं। कौन था आपको वहाँ पे फैकल्टी, किसने आपको सिखाया, किसने आपको स्टिचिंग करना सिखाया? मिसेस शबाना मैम ने सिखाया मुझे। तो आप देख सकते हैं किस तरह महिलाओं को यहाँ पर सर्टिफिकेट वितरण किया गया। आज समापन है, कहीं ना कहीं टीम BBM और टीम SBM भोपाल में महिलाओं के लिए भी अब उभर के सामने आ रही है। अब देखना हुआ मदद के साथ साथ फिक्र भी जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर किसी धर्म का या किसी एक विशेष धर्म का कोई यहाँ पे नहीं है, हर धर्म यहाँ पे आ सकता है, अपनी ट्रेनिंग ले सकता है। वहीं अभी उनके द्वारा बताया गया आने वाली 8 तारीख को भी एक सेल्फ डिफेंस का कैंप रखा जा रहा है जो चोपदारपुर में रहेगा। अब देखना होगा कितनी महिलाएं वहाँ पे आती हैं और इस तरह की ट्रेनिंग जो है हासिल करती हैं जो कि अपने खुद बचाव के लिए रहेगी, ये देखने की बात रहेगी। कैमरा पर्सन अमन के साथ KKR न्यूज़ के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।